सूरज और मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ रक्त समूह के बारे में, इसकी खोज किसने की है, इन सब के बारे में डिटेल्स। आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। आपके स्क्रीन पर दिख रहा है ब्लड ग्रुप यानी कि रक्त समूह। इसकी खोज जो है वो कार्ल लैडस्टीनर ने 1900 के ईस्वी में किया है, 1900 के ईस्वी में इसका खोज किया है। इसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार 1930 ईस्वी के आसपास, इनको 1930 ईस्वी में दिया गया। और ये जो रक्त समूह होते हैं ये आखिरकार भिन्न क्यों हो जाते हैं उसके बारे में है कि मनुष्य के रक्तों में विभिन्नता का मुख्य कारण जो है लाल रक्त कण अर्थात RBC में पाए जाने वाला ग्लाइकोप्रोटीन है। यानी कि ग्लाइकोप्रोटीन में जो अंतर पाया जाता है जिस कारण से ही रक्त समूह अलग अलग पाए जाते हैं अलग अलग व्यक्तियों में, जिसे एंटीजन कहा जाता है। और ये एंटीजन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। और ये जो एंटीजन होते हैं ए बी, वे एंटीजन की उपस्थिति का मुख्य आधार जो इसके जो भाग बांटे गए हैं वो चार भाग में बटे हैं एंटीजन का, जिसमें एंटीजन ए होता है वह ब्लड ग्रुप ए ग्रुप का कहलाता है, जिसमें एंटीजन बी होता है वह ब्लड ग्रुप बी ग्रुप का कहलाता है, जिसमें एंटीजन दोनों उपस्थित रहते हैं अर्थात ए और बी दोनों उपस्थित रहता है वह ब्लड ग्रुप ए बी कहलाता है, तथा जिसमें एंटीजन नहीं होता वह रक्त समूह ओ कहलाता है। इसके अलावा इसके दो प्रकार और बढ़ जाते हैं, जिसमें एंटीजन अनुपस्थित रहता है यानी एंटीजन जिसमें भी अनुपस्थित रहता है उसमें प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा रुधिर में पाए जाने वाला एक एंटीबॉडी होता है, जो दो प्रकार के हो जाते हैं, एंटीबॉडी ए स्मॉल और एंटीबॉडी बी। और अन्य इन सभी ब्लड ग्रुपों को ए बी नेगेटिव और ए बी पॉजिटिव के आधार पर, RH फैक्टर के आधार पर बांटा गया है, जिसमें ए नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव तथा आपका ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव आता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलता जाए नए वीडियोस के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।